हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट लाइन क्रू। भाई आज के दूसरे वीडियो में हमारे सामने है किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद जो कि भिड़ेंगे आईपीएल 2020 के 43rd मैच में। तो भैया शुरुआती मामला यह है कि पंजाब की टीम लगातार 3 मैचेस जीतकर सीजन में यू टर्न मार चुकी है। पहले क्रिस गेल की वापसी और अब ग्लेन मैक्सवेल के तेवर में बदलाव टीम के बैटिंग लाइनअप को सबसे खतरनाक बनाते हैं। वहीं हैदराबाद की पिछली मैच में जीत दर्शाती है कि टीम वार्नर और बेस्टो के अलावा भी गेम में सरवाइव कर सकती है। अब ऐसे में किस टीम के हैं जीतने के चांसेस ज्यादा, आइए सभी रिकॉर्ड्स और स्टैटिस्टिक्स को सामने रख के देख लेते हैं। तो भाई लोग इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। साथ ही साथ क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी बाकी सभी स्टोरीज और फैक्ट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड कंपैरिजन के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक टोटल 15 बार दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ है जिसमें महज 4 बार पंजाब ने मैच अपने नाम किया है और 11 बार हैदराबाद का परचम लहरा है। हाईएस्ट स्कोर पे जाएं तो 2015 में 211 रन बनाए हैं पंजाब ने और पिछले एडिशन में 212 रन ठोके हैं एसआरएच ने। एवरेज स्कोर पे देखें तो वो दोनों टीम का रहा है 160 से 165 के बीच। बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट में और वेन्यू के हाल पिच की चाल पे गौर कर लेते हैं। तो भाई मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो भाई लोग सीजन की शुरुआत से ही दुबई की पिच स्लो रही है और रन चेस करने में बल्लेबाजों को थोड़ी डिफिकल्टी हुई है, लेकिन पिछले 2 मैचेस में जिस तरह चेस कर रही टीम ने मैच अपने नाम किया है, सेकेंड हाफ बल्लेबाजी के लिए पहले से थोड़ा बेहतर होता दिखा है। लेकिन दोस्तों अगर टीम 180 से ज्यादा का स्कोर करती है तो टारगेट को चेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम के लिए। अब यहां पे खेले गए सभी T20 मैचेस को पे गौर करें तो टोटल इस सीजन 18 मैचेस खेले गए हैं जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 12 बार जीती है तो वहीं रन चेस करने वाली टीम 6 बार जीती है। हाईएस्ट स्कोर इस पिच पे रिकॉर्ड किया गया है 201 रन बाय एसआरएच, एमआई और आरसीबी। वहीं लोएस्ट स्कोर रिकॉर्ड किया गया है 109 रन बाय आरसीबी। अब अगर इस पिच पे गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें दोस्तों तो 18 मैचेस में 209 विकेट्स अभी तक चटकाए जा चुके हैं। विकेट्स टेकन बाय पेसर्स रहे हैं 125, वहीं विकेट्स टेकन बाय स्पिनर्स रहे हैं 66 और 18 विकेट्स रनआउट द्वारा लिए गए हैं। इन सभी स्टैटिस्टिक्स को जानने के बाद आइए अब जरा दोनों ही टीम्स को इंडिविजुअली एनालाइज कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं टीम किंग्स इलेवन पंजाब से। भाई कर भला सो हो भला, पंजाब के हर प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस आज टीम को प्लेऑफ्स में एंटर करने का सपना दिखा रही है। कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जो कि टॉप 5 रन स्कोरर्स हैं इस सीजन के, उन्हें साथ मिला है अब क्रिस गेल और निकोलस पूरन का, जिन्होंने पिछले कुछ मैचेस में बढ़िया माहौल जमाया है और टीम को बेहतर पोजीशन पे खड़ा किया है। और अब अगर गौर करें पिछले मुकाबले पे तो जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल ने एम बक पे टीम को संभाला है, पंजाब को इनकी फॉर्म को लेकर फाइनली रिलीफ जरूर मिला होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दीपक हुड्डा को यहां पिन पॉइंट करना जरूरी है क्योंकि इनके रहते टीम का बैटिंग लाइनअप बेहद डीप और सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। बात करें पंजाब की गेंदबाजी की तो मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और जिमी नीशम अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ टीम को आगे ले जा सकते हैं। वहीं मुर्गन अश्विन और रवि बिश्नोई और ग्लेन मैक्सवेल की फिरकी ऑल ओवर बॉलिंग अटैक को कंप्लीट करती है। बस डर है तो इन सभी के खर्चीले साबित होने का जो अधिकतर मैचेस में हमने देखा है। आइए अब जरा इनके संभावित 11 खिलाड़ियों पे भी फोकस कर लेते हैं। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल, दीपक हुड्डा, जिम्स नीशन, मुर्गन अश्विन, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह। आइए अब बढ़ते हैं टीम सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद को राजस्थान पे मिली शानदार जीत के बाद 2 पॉइंट्स हासिल हुए हैं और साथ ही इनका नेट रन रेट भी पंजाब से ज्यादा अच्छा हुआ है जो कि टॉप 4 टीम्स की रेस में एक प्लस पॉइंट बन के सामने आ सकता है। वार्नर और बेस्टो पे मेनली डिपेंड करने वाली हैदराबाद ने मनीष पांडे और विजय शंकर का दम खम भी दिखाया है, लेकिन इनकी पिछली परफॉर्मेंस में कितनी कंसिस्टेंसी है ये तो भाई हमें आने वाले मैच में ही पता लगेगा। फिलहाल बाकी बचे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने पिछली बार पंजाब के खिलाफ कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी, ऊपर से केन विलियमसन की गैरमौजूदगी टीम को वैसे भी वीक करती है। यहाँ सनराइजर्स की गेंदबाजी शुरुआत से ही इनका मजबूत पक्ष रही है। भुवनेश्वर कुमार के जाने के बाद बॉलिंग अटैक थोड़ा हल्का जरूर पड़ा था, लेकिन संदीप शर्मा ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। वहीं अब जेसन होल्डर ने आते ही जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे इनका पेस अटैक मजबूत जरूर हुआ है। साथ ही राशिद खान और शाहबाज नदीम स्पिन अटैक को बखूबी संभाल रहे हैं।
परेशानी की बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि गेंदबाजों का महंगा साबित होना, जो कि पंजाब की हैवी हिटिंग पावर के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। आइए अब जरा इनके संभावित 11 खिलाड़ियों पे भी फोकस कर लेते हैं। डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, प्रियम कर, मनीष पांडे, विजय शंकर, अब्दुल समद, जेसन होल्डर, राशिद खान, शहबाज नदीम, संदीप शर्मा और टी नटराजन। अब बारी है फाइनल कंक्लूजन की। तो भाई राहुल, गेल, मयंक और पूरन के पावरफुल बैटिंग लाइनअप, शमी, अर्शदीप, अश्विन और बिश्नोई की धारदार गेंदबाजी के सामने इस बार हैदराबाद के सनराइज होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। आज के एनालिसिस में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें क्रिकेट लाइन गुरु के साथ।